हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करके कैसे हम इंटरफेरॉन को प्रोड्यूस करेंगे, हेपेटाइटिक वैक्सीन्स जो आती है उसको कैसे प्रोड्यूस करेंगे, और जो ह्यूमन इंसुलिन जो हार्मोन्स आता है उसको कैसे हम प्रोड्यूस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि यह वीडियो जो है आपको 10 और 7 मार्क्स दिखा देने का काम करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरफेरॉन के बारे में, जो हेपेटाइटिस वी वैक्सीन आती है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इंटरफेरॉन होता क्या है। जो हमारा इंटरफेरॉन होता है इसको शॉर्ट फॉर्म में हम INF बोलते हैं। तो इंटरफेरॉन हमारा एक तरीके का एंटीवायरल सब्सटेंस होता है। एंटीवायरल सब्सटेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्या करता है कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसके अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटीवायरल सब्सटेंस बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा इंटरफेरॉन होता है एक तरीके का नेचुरल सब्सटेंस होता है, जो क्या करता है हमारे जो इम्यून सिस्टम, हमारे बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है, जिससे कि जो वायरल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में और जो अदर डिजीज है जैसे कैंसर उसको क्या करता है, ठीक करने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम इंटरफेरॉन बोलते हैं। तो वही डिफिनेशन लिखा गया है, इंटरफेरॉन इज ए नेचुरल सब्सटेंस दैट हेल्प द बॉडी इम्यून सिस्टम फाइट इन्फेक्शन अदर डिजीज सच एज कैंसर इज कॉल्ड इंटरफेरॉन। ठीक है, जो हमारा इंटरफेरॉन होता है यह हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स होती है या जो अदर सेल्स होती हैं इसको सिंथेसाइज करने का काम करती है, मतलब बनाने का काम करती है। और जो हमारा इंटरफेरॉन होता है इसके अलावा जो है, मतलब कि वाइट ब्लड जो सेल्स होती है और जो अदर सेल्स होती हैं ये हमारे क्या करते हैं, हमारे बॉडी के अंदर बनाती हैं, लेकिन आउटसाइड बॉडी मतलब कि लेबोरेटरी में भी हम क्या करते हैं कि इंटरफेरॉन को बनाने का काम करते हैं, अभी जो हम देखने वाले हैं। ठीक है, और इससे क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप की जो डिजीज होती है इसको ट्रीट करने का काम करते हैं। आइए देखते हैं इंटरफेरॉन मतलब कि कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ये हमारे बॉडी की सेल्स हैं। ठीक है, जैसे ही कोई वायरस गया इस सेल पे अटैक किया, ठीक है, अटैक करेगा तो जो पास की जो सेल रहेंगी, मान लीजिए कि इस सेल पे वायरस ने अटैक किया तो जो बगल बगल की सेल रहेंगी तुरंत एक्टिवेट हो जाएंगी। एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करती हैं, एक केमिकल रिलीज करती हैं जिसको बोलते हैं इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन जैसे ही रिलीज यहाँ पे होने लगेगा, ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, इस वायरल अटैक को क्या करेगा, इसको ट्रीट करेगा, मतलब इसको किल करने का काम करेगा और जो बगल बगल की सेल है उनको बचाने का काम करेगा। तो वही लिखा गया, जैसे ही वायरस ने अटैक किया सेल पे तो यहाँ पे इंटरफेरॉन रिलीज हुआ और यहाँ पे जो वायरल का रिप्लिकेशन, मतलब कि वायरस का जो रिप्लिकेशन, एक वायरस से जो दो वायरस बन रहे थे, ठीक है, वो हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इंटरफेरॉन जो है काम करता है। तो इंटरफेरॉन क्या करता है, एक तरीके का एंटीवायरल सब्सटेंस है जो वायरल इन्फेक्शन को क्या करता है, रोकने का काम करता है। तो जो हमारा इंटरफेरॉन है इसको डिस्कवर किया था एलेक और लिंडरमैन ने, दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था, इंटरफेरॉन को डिस्कवर किया था। जो हमारा इंटरफेरॉन होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कि हमारे सेल के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है और इसको लेबोरेटरी में भी बनाया जाता है। जो हमारा ह्यूमन इंटरफेरॉन है, मतलब कि जो हमारे बॉडी के अंदर बनता है, जो हमारी सेल्स बनाती हैं, वह हमारा 145 एमिनो एसिड का बना होता है और उसका जो मॉलिकुलर वेट होता है वह 20,000 से 30,000 डाल्टन तक का इसका मॉलिकुलर वेट होता है। अब बात करते हैं टाइप, मतलब कितने टाइप का इंटरफेरॉन होता है। तो तीन तरीके का इंटरफेरॉन होता है। पहला हमारा अल्फा इंटरफेरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट इंटरफेरॉन भी बोलते हैं। एक बीटा इंटरफेरॉन होता है जिसको हम फाइब्रोब्लास्ट इंटरफेरॉन बोलते हैं और एक हमारा गामा इंटरफेरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं इम्यून इंटरफेरॉन बोलते हैं। तो ये तीन तरीके के हमारे इंटरफेरॉन होते हैं। अब आगे देखते हैं कि इंटरफेरॉन हमारे बॉडी में आखिर रिलीज कैसे होते हैं। तो वही क्वेश्चन लिखा है, हाउ टू रिलीज इंटरफेरॉन, हमारे बॉडी में इंटरफेरॉन रिलीज होते क्या है। मैंने पहले बताया कि जैसे वायरस ने क्या किया, हमारे सेल के ऊपर अटैक किया तो हमारी सेल क्या करती है, हमारी जो बॉडी की सेल है तुरंत इंटरफेरॉन रिलीज करती है और इस वायरल इन्फेक्शन को क्या करती है, ट्रीट करने का काम करती है। तो वही देखते हैं हमारे बॉडी के अंदर ऐसी क्या एक्टिविटीज़ होती है जिससे कि इंटरफेरॉन रिलीज होता है। तो यहाँ पर मैंने जूम कर दिया, एक सेल को मैंने यहाँ पर
बना दिया, सिर्फ एक सेल को हमने बनाया है। जैसे वायरस क्या करेगा, हमारे सेल पे अटैक किया मतलब सेल के अंदर जाएगा तो क्या करेगा, जो वायरस है ये वायरस अपना जो न्यूक्लिक एसिड है यहाँ पर रिलीज करेगा। सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड रिलीज किया, अब ये इसका जो वायरस का न्यूक्लिक एसिड है ये क्या करेगा, जैसे ही जो न्यूक्लियस सेल का जो न्यूक्लियस है इससे जैसे ही अटैच होगा क्या करेगा, जो न्यूक्लियस है तुरंत रिलीज करने लगता है इंटरफेरॉन रिलीज करेगा। और ये इंटरफेरॉन क्या करेगा, इस वायरल के रेप्लिकेशन इसको क्या करेगा, इनहिबिट करने लगेगा। तो वही लिखा गया कि इंटरफेरॉन जैसे ही रिलीज होगा ये क्या करेगा, जो वायरस का रेप्लिकेशन है, वायरस का मल्टीप्लाइकेशन है, मतलब एक वायरस से जो दो वायरस बन रहे थे, तीन वायरस चार वायरस बन रहे थे, उसको क्या करेगा, उसके रेप्लिकेशन को स्टॉप कर देगा। तो हमारा एक तरीके का इंटरफेरॉन क्या होता है, एंटीवायरल सब्सटेंस होता है जो वायरल इन्फेक्शन को ट्रीट करने का काम करता है। तो हमारा जो मेन पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन का प्रोडक्शन हम जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो हम क्या लेते हैं कि पहले एक ह्यूमन सेल लेते हैं, ह्यूमन सेल जो कि इंटरफेरॉन प्रोड्यूस करती है उसका जो जीन होता है उसको हम निकाल लेंगे। तो हमने क्या किया कि जो ह्यूमन सेल था उससे इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग जो जीन था उसको हमने निकाल लिया, कि मतलब कि जीन का आइसोलेशन कर लिया। और यहाँ से हमने क्या किया कि जो ई कोलाई थी, ई कोलाई जो हमारी बैक्टीरिया थी, इससे हमने क्या किया प्लाज्मिड को आइसोलेट कर लिया। अब हमने जो ह्यूमन का जीन यहाँ पे निकाला था और जो यहाँ पे प्लाज्मिड निकाला है ई कोलाई से, इसको क्या करेंगे, दोनों को कट करेंगे एक एंजाइम की हेल्प से जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस एंजाइम बोलते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसको डिटेल में बताया तो उस वीडियो को जरूर से देख लीजिएगा। तो हमने रिस्ट्रक्शन इंडोन्यूक्लियस की हेल्प से क्या किया, प्लाज्मिड को भी कट कर लिया इस तरीके से, और जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग जीन है इसको भी हमने कट कर लिया। अब आगे देखते हैं क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे जो हमने कट किया था, मतलब कि जो इंटरफेरॉन प्रोड्यूसिंग जीन था और जो प्लाज्मिड हमने कट किया था, अब इन दोनों का लाइगेशन करवा देंगे। लाइगेशन का मतलब होता है कि दोनों को आपस में जोड़ना, तो इन दोनों को हमने जोड़ दिया आपस में जिस एंजाइम की हेल्प से जोड़ते हैं, जिसको हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मॉलिकुलर ग्लू भी बोलते हैं, ठीक है। तो अब इन दोनों को हमने क्या किया कि दोनों को आपस में जोड़ दिया, तो हमारा एक नया डीएनए बन गया। इस नए डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे, एक होस्ट सेल रहेगा, इस होस्ट सेल के अंदर इसको इंसर्ट कर देंगे। जब इस होस्ट सेल के इंसर्ट कर देते हैं, इसके अंदर ये रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए था इसको हमने इंसर्ट कर दिया, अब इस होस्ट सेल को क्या करते हैं, एक हमारा फर्मेंटर होता है, फर्मेंटर के अंदर इसको हम क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे। फर्मेंटर में इसलिए इसको इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि एक सेल से जो ढेर सारी सेल है यहाँ पे, मतलब कि सेल का मल्टीप्लाइकेशन हो जाता है फर्मेंटर टैंक के अंदर। इसके अंदर कई तरीके की जो मीडिया होती है, कल्चर मीडिया इसके अंदर भरी रहती है। कल्चर मीडिया जिसको हम क्या करते हैं, जिसको हम बोलते हैं बैक्टीरिया का खाना बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा होस्ट सेल है इस फर्मेंटर के अंदर ढेर सारा ग्रो हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो ग्रो हो गया है यहाँ पे ढेर सारी, जो होस्ट सेल हमने डाला था ये ग्रो हो गया था, इसको हमने निकाल लेंगे, इसको आइसोलेट कर लेंगे। अब इसके अंदर जो इंटरफेरॉन बना था उसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद क्या करेंगे, अब उसको हम बाहर से इंसर्ट कर सकते हैं जिससे कि वायरल इन्फेक्शन हमारा क्या हो सकता है, रुक सकता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंटरफेरॉन है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू बनाने का काम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें यहाँ से लिख लीजिएगा, अगर ब्रीफ में आता है तो आप पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन का क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला है कि जो अल्फा इंटरफेरॉन होता है ये क्या करता है, जो हेपेटाइटिस वी होता है, हेपेटाइटिस जो सी इन्फेक्शंस होते हैं इसको ट्रीट करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा कि जो इंटरफेरॉन बी होता है ये क्या करता है कि जो स्क्लेरोसिस होता है, स्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि जो इम्यून सिस्टम को डैमेज कर दे, इसको ट्रीट करने का काम करता है हमारा इंटरफेरॉन। और जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब कि जो क्या करता है, जो इम्यून सिस्टम हमारे हेल्दी सेल पे अटैक करता है उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बोलते हैं। तो हमारा इंटरफेरॉन क्या करेगा, स्क्लेरोसिस और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर को भी ट्रीट
रीड करने का काम करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा इंटरफेरॉन है ये क्या करता है, जो कैंसर होता है कैंसर को भी ट्रीट करने का काम करता है। अब दूसरा हमारा आता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स आता है, ठीक है। तो ऐसी वैक्सीन जो हेपेटाइटिक बी वायरस जो होता है उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है, उसको बोलते हैं वैक्सीन हेपेटाइटिस बी बोलते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हेपेटाइटिस बी होता क्या है। तो हेपेटाइटिस बी हमारा जो दो वर्ड से मिलके बना है, हेपेट और आइटिस। हेप्ट का मतलब होता है जहाँ पे कहीं पे हेप्ट वर्ड आए इसका मतलब होता है लीवर, और कहीं पे भी अगर आइटिस वर्ड लास्ट में आए तो उसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो इसका मतलब हेपेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ लीवर इज कॉल्ड हेपेटाइटिस, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये सारे कॉन्सेप्ट। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो हमारा हेपेटाइटिस बी होता है एक तरीके का हमारा वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के थ्रू होता है। और जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस होता है ये क्या करता है, हमारा जो लीवर होता है इसको इन्फेक्ट कर देता है, और लीवर में जब इन्फेक्शन हो जाता है उसके वजह से लीवर में इरीटेशन होने लगते हैं और लीवर में इन्फ्लामेशन आ जाते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये हमारा लीवर है, ठीक है। जैसे ही क्या करेगा, हेपेटाइटिस जो बी वायरस हमारे बॉडी के अंदर मतलब कि जाएगा, ये क्या करेगा कि हमारे जो लीवर है लीवर में इरिटेशन कॉज करने लगता है और लीवर में जो है इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। तो यहाँ पे अगला पॉइंट लिखा गया कि जो हमारा हेपेटाइटिक बी जो वायरस होता है ये क्या करता है, एक्यूट और क्रोनिक इन्फेक्शन कॉज करने का काम करता है। एक्यूट का मतलब है कि इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है, क्रोनिक इन्फेक्शन का मतलब होता है कैंसर या चिरोसिस कॉज कर सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस होता है यह 50 से 100 टाइम जो ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है एड्स के कंपेयर में, मतलब कि जो एड्स होता है इससे ख़तरनाक हमारा हेपेटाइटिस बी होता है 50 से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है। जो हमारा हेपेटाइटिस बी वायरस होता है यह जो होता है इन्फेक्टेड पर्सन से नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में यह ब्लड के थ्रू फैलता है, सीमन के थ्रू फैलता है, और जो बॉडी में अदर फ्लूड्स होते हैं उसके थ्रू फैलता है। मान लीजिए कि ये हमारा इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब कि इसके अंदर जो है हेपेटाइटिस बी वायरस जो है इंटर कर चुका है, इसको हेपेटाइटिस बी हो चुका है, ठीक है। जैसे ही नॉन इन्फेक्टेड पर्सन इसके कॉन्टैक्ट में जाएगा, ठीक है, मतलब कि इसके कॉन्टैक्ट का मतलब है कि इसके ब्लड के कॉन्टैक्ट में जाएगा, इसके यूरिन के कॉन्टैक्ट में जाएगा, इसके सीमन के कॉन्टैक्ट में जाएगा, तो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन्स भी इन्फेक्टेड पर्सन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वही पॉइंट लिखी गई है यहाँ पे, ठीक है। जो हमारा हेपेटाइटिक वी है यह और सारे चीज़ें जैसे सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में अगर जाते हैं तब भी आपको हो सकता है, अगर किसी भी पर्सन्स को मतलब इन्फेक्टेड पर्सन्स को अगर कोई भी नीडल लगी है, अगर नॉन इन्फेक्टेड पर्सन्स को वही नीडल लगा देते हैं तो उसको भी हेपेटाइटिस वी वायरस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कोई भी फीमेल मतलब कोई भी मदर है उसको अगर हेपेटाइटिस बी हो गया है, अगर वह अपने बच्चों को क्या करती है दूध पिला रही, तो उसको भी उनके बच्चों को भी हेपेटाइटिस बी होने के चांसेस रहते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नोट्स कर लीजिएगा, यहाँ पे पॉइंट लिखी गई है, ठीक है। जो हेपेटाइटिस बी है यह इजीली प्रिवेंट किया जाता है हेपेटाइटिस बी वैक्सीन्स से। तो हेपेटाइटिस जो बी है इसको ट्रीट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए जो वैक्सीन्स देते हैं उसको हम बोलते हैं हेपेटाइटिक बी वैक्सीन्स बोलते हैं, जो सेफ है, इफ़ेक्टिव है और मार्केट में अवेलेबल है। इसको लोग आसानी से यूज़ कर रहे हैं हेपेटाइटिस बी को ट्रीट करने के लिए। अब आइए देखते हैं कि हम कैसे हेपेटाइटिक बी वैक्सीन्स को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाने का काम करते हैं। तो जो मैंने पहले आपको बताया था इंटरफेरॉन उसी की तरह सेम है। तो यहाँ पे हमारा हेपेटाइटिक बी जो वायरस है, ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे कि हेपेटाइटिक बी एंटीजन जो प्रोड्यूसिंग जीन है इसको हम क्या करेंगे आइसोलेट कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारा बैक्टीरिया से क्या करेंगे जो प्लाज्मिड है इसको हम आइसोलेट कर लेंगे। अब जो इसका जीन था, ठीक है, जो मतलब हेपेटाइटिक बी वायरस जो है इसका जीन जो यहाँ पे हमने आइसोलेट किया था और जो प्लाज्मिड यहाँ पे आइसोलेट किया था, इन दोनों को हम रिस्ट्रक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है इसके हेल्प से इन दोनों को हम क्या करेंगे कट कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया, यहाँ पे इसको कट कर लिया। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में जोड़ देंगे, मतलब कि यहाँ पे एक एंजाइम यूज होगा जिसको बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम की हेल्प से इन दोनों को आपस में हमने क्या किया जोड़ दिया। तो यहाँ पे एक हमने ब्लू कलर दिखा दिया, एक ब्लैक कलर में, तो यहाँ पे एक हमारा नया डीएनए बन गया। इस नए डीएनए को हम बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करते हैं, जो हमारा ही
ईस्ट सेल है जिसको हम बोलते हैं होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर क्या करेंगे, इसको इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद अब इस ईस्ट सेल को क्या करेंगे, जो हमारा फर्मेंटर रहता है, फर्मेंटर टैंक जिसके अंदर हमारी कल्चर मीडिया भरा रहता है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो करते हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट इसके अंदर हम डालेंगे तो यहाँ पर ढेर सारे ईस्ट यहाँ पर क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। अब इस ईस्ट से क्या करेंगे हम, जो हमारा मतलब कि वैक्सीन्स था, ठीक है, जो क्या कर रहा था कि जो हेपेटाइटिस वी था उसको प्रिवेंट करने का काम कर रहा था, इस हम क्या करेंगे, इस ईस्ट से हम उसको निकाल लेंगे, उसको प्यूरीफाई कर लेंगे। प्यूरीफाई करने के बाद उसको बॉटल में भरने के बाद उसको हम क्या करते हैं, सप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। सारी चीज़ें यहाँ से लिख लीजिएगा, मैंने पूरा यहाँ पर बना दिया है, तो एक बार आपको यहाँ पर दिखा देते हैं सारी चीज़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, सपोर्ट करिएगा ताकि आगे बढ़ सकें, ठीक है, और नया वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकें, ठीक है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। इसका एप्लीकेशन यही एक एप्लीकेशन है कि ये क्या करता है कि जो लीवर डिजीज है उसको ट्रीट करने का काम करता है, मतलब कि जो हेपेटाइटिस बी है, ठीक है, इसको ट्रीट करने का काम हमारा हेपेटाइटिक जो बी वैक्सीन आती है इसको ट्रीट करने का काम करती है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंसुलिन के बारे में, जो 10 मार्क्स में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा, इस वीडियो को देखना जरूर से, ठीक है। तो आई होप आपने वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर लिया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।